पात्र है। इस उम्र में ही, छोटी छोटी उम्र में ही माँ का नाम सुनना प्रारंभ कर दिया है, तो आगे जानना भी प्रारंभ करेंगे। भारत माता ने अनेक अनेक सपूतों को जन्म दिया, हम भी उनमें से एक है। हमारे पूर्वज कैसे कैसे थे, कितने कितने करिश्मे वाले थे, कितने कितने चमत्कार वाले थे। कोई सुभाष चंद्र बोस बने थे, कोई क्रांतिकारी बने थे, कोई लेखक बने थे, कोई ज्ञानी विचारी बने थे, कोई साधु संत बने थे, और सारे संसार में भारत माता का नाम उज्ज्वल किया था। हम भी वैसे बने। इस बसंत के अवसर पर ऐसी प्रेरणा हमको माता सरस्वती की कृपा से प्राप्त हो, इसकी वंदना करते हुए, अभिवंदना करते हुए और आप सबको शुभकामना देते हुए अपना स्नान ग्रहण करता हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सभी बाबा आपका वास्तव में मधुमेह प्रसाद है गुरुवर, आपका सानिध्य आह्लाद है गुरुवर। केवल पढ़ी या सुनी नहीं, अनुभव की बात है। आपका गांधीर्य सागर सा आभार है गुरुवर, सागर सा आभार है गुरुवर। एक बार सुनवर धन्यवाद आभार। आज के इस समारोह में हमारे बीच में जी हाँ मुख्य अतिथि के रूप में विराजे हैं श्री विशाल जी बंसल साहब, पुलिस महानिरीक्षक। आपका जन्म 1971 और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी महानिरीक्षक की सेवाएं आप कोटा में 2015 से दे रहे हैं। आप कोटा जोधपुर में एसपी के रूप में आपने अपनी सेवाएं दी और यही तो आप जल्दी जाना चाहते हो तो मेरी बात जल्दी से सुनना पड़ेगी। सुनने के लिए तैयार हो? तो आज आप लोग एक समारोह के लिए उपस्थित हुए हैं। आज आप घर में जाते हो तो लेक्चर देते हैं कि बेटा खाना ऐसे खाओ, पढ़ाई रेगुलरली करो, रोज खेलने जाओ, और यहाँ पे मैं भी लेक्चर दूँ तो आप सब कहोगे कि स्कूल में लेक्चर, घर में लेक्चर, और कोई फंक्शन अटेंड करने जाए वहाँ पे भी हो रहा है। आज मैं एक छोटी सी बात कहूँगा आपको, आप सब लोगों के काम के लिए है कि मैं भी जब छोटा था तो घर वाले रोज कहते थे कि बेटा रेगुलरली पढ़ाई करा कर, बेटा रोज जो आपके टीचर आपको आग्रह करते हैं उससे लंबा टाइम लगता है। बस इतना सा मैं कहूँगा कि हैव पेशेंस ऑन योरसेल्फ, अपनी इच्छा शक्ति पे काबू करो और लंबे टाइम तक किसी भी आदत को डाल के देखो, वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर हैबिट बन जाएगी और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। मैं ऐसा करता हूँ कवि की जयंती के ऊपर जो उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम रखा गया बहुत शानदार था, आयोजन बहुत अच्छा किया गया था। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय बीएड कॉलेज बारा की तरफ से हैं। सभी विद्यार्थियों ने बहुत अच्छी तरह से सरस्वती वंदना में अपना स्थान दिया और पी के दशोला सर जो यहाँ के कुलपति जी हैं उनका उद्बोधन बच्चों के लिए प्रेरणादायक रहा। और धन्यवाद सर सभी को, कोटा यूनिवर्सिटी को धन्यवाद देती हैं कि कोटा नगरी में इस तरह का आयोजन किया गया और हम लोगों की सभी की सहभागिता इसमें है। और आगे भी हम उम्मीद करेंगे कि कोटा में इस तरह के आयोजन हो जहां पे हम अपनी पूरी की पूरी टीम के साथ में यहां पर उपस्थित होंगे। धन्यवाद, धन्यवाद सभी को। ये कोटा विश्वविद्यालय कोटा का कोटा की तरफ से एक आयोजन था
जिसमें एक महाकवि माँ की तरफ से महाकवि माँ की जयंती मनाई जा रही है, साथ ही साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तरफ से हमने यहाँ पर भाग लिया है और हम यहाँ पर बहुत सरस्वती वंदना सामूहिक रूप से सरस्वती वंदना की हम लोगों ने यहाँ पर पूरे के पूरे लगभग 8 से 10 हज़ार बच्चे इन्होंने सामूहिक रूप से 10 हज़ार के स्ट्रेंथ के अनुसार हमने सरस्वती वंदना की सभी ने और साथ में राष्ट्रगान भी हुआ है। और जहाँ का उद्बोधन था आई जी साहब बंसल जी का, वो बहुत ही प्रेरणादायक रखा, सभी बच्चे से लाभान्वित होंगे। शुक्रिया धन्यवाद जी मैम। बताया आज का जो कार्यक्रम था बहुत ही भव्य और विशाल था। यहाँ पर विशेष रूप से सरस्वती वंदना के लिए बुलाया गया था कि 10,000 बच्चों को एक साथ सरस्वती वंदना में उपस्थित होना था और ये एक सराहनीय कार्य विश्वविद्यालय द्वारा इन्होंने इतने तादाद में बच्चों को इकट्ठा कर इस कार्यक्रम का भव्य सफल आयोजन किया, इसके लिए कोटा विश्वविद्यालय के आभारी हूं।